नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। मुझे दो इश्यूज थे, एक तो थायराइड का और सिस्ट का। सो दो वीक से यहाँ पे हूँ मैं। कल हम लोग जा रहे हैं। सिस्ट इतना बड़ा था कि सर्जरी के लिए बोला था, उन्होंने बोला कि ओवरी शायद निकालनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे आके एनीमा भस्ती किया और बहुत सारे सिस्टोग्रिड वो भी टैबलेट लिया और देखा तो लेफ्ट सिस्ट पूरा चला गया मेरा। हा? लेफ्ट सिस्ट और राइट है वो रिड्यूस हुआ है। और स्लोली उन्होंने बोला है कि ये टैबलेट्स कंटिन्यू करना। बस्ती से ही चला गया। बहुत सारे सिस्टोग्रिड और बहुत सारे टैबलेट्स भी लिए। अब ये अंदर क्या होता है, सिस्ट और उसके साथ वायु होती है, वायु सारा निकाल दिया। और वो गांठ का पहले तुमने उसका एक्सरे कर अल्ट्रासाउंड करा रखा? यस, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड दोनों मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट के साथ बता रही, क्या नाम बेटा? पद्मावती। पद्मा? पद्मावती। पद्मावती। अब बस्ती की निकल गए विकार। अब ये अद्भुत प्रोसीजर्स है। और क्या क्या लिया थेरेपी में? थेरेपी में सब कुछ यहाँ पे मैंने जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, डॉक्टर अरुण, नस्य भी लिया, नस्य लिया, तर्पण भी लिया क्योंकि अक्षय तर्पण भी किया। अक्षय तर्पण से क्या फायदा हुआ? मुझे आंखों में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लैपटॉप पे मैं बहुत सारा वर्क करती हूँ। क्या करती हो बेटा? मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और पीएचडी भी कर रही हूँ, तो बहुत सारा रीडिंग होता है। एक तरफ कंपनी में मैनेजर है, दूसरी तरफ पीएचडी भी कर रही है, तो सारा आंखों पर प्रेशर आ रहा था। हाँ, और मैंने सब रिपोर्ट्स मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, स्पेक्स भी नहीं था, बट बहुत सारा इतना पेन होता था कि मैं आँख ओपन भी नहीं कर पाती थी, लैपटॉप बंद करना पड़ता था। तो जब मैंने अक्षय तर्पण करवाया तो फर्स्ट डे से ही मुझे बहुत सारा फायदा लगने लगा। इसको तो कुछ ज्यादा ही लाभ हो रहा है पद्मावती को, तो फर्स्ट डे से आंखों में भी जो बोझ सा था वो निकल गया, निर्भार हो गई एकदम, जैसे कुछ गायब हो गया। और नाक में वो नस्य करवाया? नस्य करवाया। किससे? अनुतेर से, ज्योतिषमती से? पांच दिन उन्होंने दो जगह पे किया है, एक जहाँ पे धुआं देते हैं और दूसरी जगह पे पूरा प्रॉपर स्टीम। और स्टीम के साथ कराया? हाँ, स्टीम। और एक तो पूरा स्टीम भी कराते हैं, मसाज भी करते हैं, फिर नस्य करते हैं, फिर धूम नस्य भी करते हैं। एक सामान्य अभी ये अणु तेल से भी 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है ज्योतिषमती, अंदर से खींच खींच के पूरा निकाल देता है और उससे भी आंखें हल्की होती हैं। तुम्हारी आंखें खाली अक्षय तर्पण से नहीं, नस्य भी आंखों को ठीक करता है, कान को भी ठीक करता है, ब्रेन को भी ठीक करता है, अंदर के सारे टॉक्सिन्स को निकालता है। ये जो हम बोलते हैं ना, नस्य से नाक के दो रोग, अक्षय तर्पण से आंख के, कर्णपूर्ण से कान के, ये नहीं, ये एक एक प्रोसीजर कई चीजों को बाहर निकालता है। ये तो प्रधान रूप से हम कथन करते हैं कि ये लाभ हो रहा है, गुण लाभ उसके बहुत जबरदस्त है। चलो पद्मावती के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। धन्यवाद।